मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। इथियोपियन एयरलाइंस का बोइंग विमान क्रैश, 149 यात्री थे सवार। इथियोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान रविवार को क्रैश हो गया। इसमें 149 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। यह विमान इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा से केन्या के नैरोबी जा रहा था। विमान के स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:38 पर उड़ान भरी और इसके 6 मिनट बाद इसका संपर्क टूट गया। प्राप्त सूत्रों के अनुसार एयरलाइन के प्रवक्ता ने प्लेन क्रैश होने की पुष्टि करते हुए कहा कि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि प्लेन कहां क्रैश हुआ। इथियोपियन एयरलाइन को अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन के तौर पर जाना जाता है। कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।